धार जिले के सरदारपुर तहसील के ग्राम पंचायत बढ़िया में सरपंच, सचिव व इंजीनियर ने मिलकर मनरेगा में किया लाखों का घोटाला। बताया जा रहा है कि 600 फीट की दूरी में 6 तालाब निर्माण किया और वहां पर आज एक बूंद पानी भी नहीं है, जिसके कारण किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच, सचिव एवं इंजीनियर ने मिलकर किया घोटाला, क्योंकि मौके पर पहुंचकर वैल्यूएशन किया जाता है। अगर इंजीनियर मौके पर जाते तो यह सारी स्थिति देखने में आ जाती, लेकिन लगता है कि अधिकारी अपने ऑफिस से बाहर निकले बिना ही लाखों का भुगतान कर दिया। पंच नंदराम जी चरपोटा, विष्णु भाभर, बाबा नानका एवं उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच, सचिव ने मजदूरों से न करते हुए रात में जेसीबी द्वारा तालाब निर्माण किया गया था, जिसके कारण लोगों का रोजगार भी छिना, वही आज तालाब में एक बूंद पानी भी नहीं है। गांव वालों ने जांच की मांग भी की है। अब देखना है कि किस प्रकार की कार्यवाही होगी या जनता का लाखों रुपए यूं ही बर्बाद होते हैं। धार जिले के बोडिया से दिनेश राठौर की रिपोर्ट। क्यों दादा, ये तालाब किसने बनाया? यह दिलीप वसुनिया ने बनाया। किस मत से बनाया इन्होंने? जैसे भी से बनाए। किस मत से बनाया? आर एस वाले ने बनाया। आर एस वाला। अच्छा सर, जिससे भी बनाया एक मजदूर ही नहीं लगाया। अच्छा, मोड़ा रात में करी ना थे, एक दो रात में बनाया था। इससे आपको मवेशी पानी आनी पिलाने की बहुत समस्या आ रही है? समस्या आ रही नहीं, कहाँ पानी से है, कोई नहीं, और जंगल दो वही खोद दी तो और गए। हमने एक ही नाले में 3 तालाब बनाया। अच्छा, एक भी पानी बूंद नहीं है। ये तो मंत्री है ना, सरपंच से बनाए। अच्छा, तो इसमें आपका कोई फायदा हुआ कि नहीं? फायदा नहीं हुआ। नहीं अच्छा, कैसे बनाया ये तालाब? ये जैसे भी हो ट्रैक्टर लगा दिन बनाया। अच्छा, दादा सरपंच ने ग्रामीणों को रोजगार दिया कि नहीं? नहीं दिया। नहीं दिया। कैसे बनाया ये तालाब? जेसीबी से बनाया। अच्छा, फिर आपने इसकी रोक नहीं लगाई कि भाई मजदूर को दे रोजगार? तो रात में बनाया, वेगा मोड़ा आता। अच्छा, ये है तालाब और इसमें ये एक बूंद पानी नहीं है, जिससे शासन का जमीन थी भाई, हमें खोद दी।